इसराइलियों के बीच में जब वो मिस्र में थे, परमेश्वर ने इतने चमत्कार करे, उन चमत्कारों को वो जो है थोड़े ही समय में भूल गए और वो चीखने चिल्लाने लगे, डर गए। हमारे जीवन में भी परमेश्वर इतने चमत्कार करता है, इतने आश्चर्यकर्म करता है, इतने अद्भुत काम करता है, उन सबको भूल जाता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हमारा आज का टॉपिक है हमारे और हमारे समस्याओं के बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारी और हमारी समस्याओं के बीच में। आज इस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। मैं आपके लिए एक पद पढ़ना चाहूंगा, दो पद हैं पढ़ना चाहूंगा, आप निकाल लीजिए निर्गमन 14 अध्याय उसका 10 से 11 पद तक। जब फिरौन निकट आया तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इसराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? अब ध्यान दीजिएगा, इसराइली जो थे क्यों घबरा गए, इसराइली जो थे क्यों डर गए, क्यों यहोवा की जोर जोर से चिल्ला के दुहाई देने लगे, क्यों वो मूसा पर क्रोधित होने लगे, क्यों वो ये कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें यहां पर मारने के लिए, जंगल में मारने के लिए ले आया? कारण क्या था? जब परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया और लाल समुंदर के किनारे पर लाकर खड़ा किया तो फिरौन की सेना पीछे से आ गई। अब आगे लाल समुंदर भाग नहीं सकते, पीछे फिरौन की सेना, अब वो पीछे भी नहीं भाग सकते, वो भागे तो कहां भागे, वो घबरा गए, बाल बच्चे दार थे, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे। अगर उस भीड़ में मैं और आप होते तो मेरी और आपकी भी स्थिति जो है इसराइलियों के समान होती, हम भी परमेश्वर के जोर जोर से चिल्लाकर दुहाई देते और मूसा पर बुड़बुड़ाने लगते। आज भी ऐसे ही होता है, हमारी बहुत सी चिंताएं, बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी चीजें होती हैं, जब सॉल्व नहीं होती है हम घबरा जाते हैं, हम परमेश्वर के उस नजारे को देख नहीं पाते हैं, परमेश्वर को अपने और अपनी समस्याओं के बीच में जब देखते नहीं है तो हम घबरा जाते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं और परमेश्वर की दुआई देने लगते हैं, और कभी कदार तो ये होता है कि परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि परमेश्वर ने हमें फंसा दिया, परमेश्वर हमें निकाल नहीं सकता है, परमेश्वर हमें ऐसा नहीं कर सकता। ये जानते किसके समान होता है? हम बड़े शांत बैठे रहे, जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा इससे पहले कि मैं इसमें और आगे बढ़ूं, एक समस्या का और उदाहरण देना चाहूंगा, एलिशा। जब आप एलिशा के बारे में पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि एलिशा जहां पर रहता था उस पहाड़ को चारों तरफ से अरामी सेना ने जो है वो घेर लिया, क्योंकि राजा आरामी राजा ने ऑर्डर दिया था कि एलिशा को पकड़ कर बंदी बनाकर लेकर आओ, और जब उसको चारों तरफ से घेर लिया, एलिशा बहुत शांत बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था। हम भी परमेश्वर के लोग हैं, जैसा एलिशा परमेश्वर का जन था वैसे हम भी परमेश्वर के लोग हैं, और एलिशा संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करता था। परंतु जब एलिशा का दास जो उसके साथ रहता था, जब वो निकल कर आया, उसने आरामी सेना को देखा, वो चिल्लाने लगा, हाय प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। एलिशा शांत था, उसे कोई टेंशन नहीं थी, बताइए उसे सेना घेरे हुए थी और सेना घेर कर उसको बंदी बनाकर ले जाने वाली थी, परंतु वो शांत था और बिल्कुल शांति से बैठा हुआ। तब उसने कहा, प्रभु इसकी आंखों को खोल दे। हमारी आंखें खुली रहती हैं, परंतु वो सांसारिक चीजों को, सांसारिक बातों को, सांसारिक लोगों को देखते हैं, परंतु आत्मिक जब आंखें खुलती हैं तो आत्मिक चीजों को, आत्मिक बातों को, आत्मिक परमेश्वर की वो सारी आत्मिक चीजों को हम देखते हैं, और जब उन चीजों को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमारी सहायता कैसे करता है। परमेश्वर हमारी समस्याएं, हमारी चिंताएं, हमारी बीमारी, हमारे कर्ज, हमारी मुसीबत में कैसे हमारे बीच में खड़ा होता है। जब उस एलिशा के दास की आंख परमेश्वर ने खोली तब उसने क्या देखा? उसने देखा कि एलिशा के और अरामी राजा की सेना के बीच में परमेश्वर की सेना जो है
ज्योतिमय सेना जो है, सरदूतों की सेना जो है, वो जो है अग्नि में तलवार लिए खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है उसके। और इसलिए एलिशा शांत है। हम क्यों नहीं देख पाते हैं? हम क्यों चीखने चिल्लाने लगते हैं? हम इसलिए नहीं देख पाते हैं, हम इसलिए चीखने चिल्लाने लगते हैं क्योंकि हम इसराइलियों के समान है कि इसराइलियों के बीच में जब वो मिस्र में थे, परमेश्वर ने इतने चमत्कार करे, उन चमत्कारों को वो जो है थोड़े ही समय में भूल गए और वो चीखने चिल्लाने लगे, डर गए। हमारे जीवन में भी परमेश्वर इतने चमत्कार करता है, इतने आश्चर्यकर्म करता है, इतने अद्भुत काम करता है, उन सबको भूल जाते हैं और जरा सी परेशानी आती है घबरा जाते हैं और ये नहीं देख पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी परेशानियों के बीच में खड़ा हुआ है। और यहां पर जो है वो ऐसे ही होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पढ़ना चाहूंगा निर्गमन 14:19-20, बड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का दूत इसराइली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वे मिस्रियों की सेना और इसराइली की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। अब ध्यान देना, जब इसराइली अत्यंत घबरा गए, डर गए, तो जो आग का खंभा जो था, जो उनके आगे आगे चला करता था, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आग का खंभा उठकर कहां हो गया, इसराइली सेना के पीछे जाकर खड़ा हो गया। यानी परमेश्वर का वचन बताता है कि मिस्री सेना के बीच में और इसराइली सेना के बीच में जाके खड़ा हो गया, यानी मिस्री सेना और इसराइली सेना के बीच में जाकर खड़ा हो गया। मिस्री सेना के लोग जो थे वो इसराइलियों के पास आ नहीं सकते थे क्योंकि उनके बीच में जो है परमेश्वर जाके खड़ा हो गया और वो रात भर वहां खड़ा रहा, वो उनको छू नहीं पाए जब तक उसने इसराइलियों को समुन्दर के अंदर रास्ता बनाकर निकाल ना दिया, वो छोर तक पहुंच नहीं गए, वो उनके बीच में खड़ा रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है वो ऐसे ही हमारे और आपके बीच में खड़ा रहता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप दूसरा राजा 4:1-7 पढ़ लीजिएगा, वहां पर एक विधवा औरत थी, उसके दो बच्चे थे और परमेश्वर का वचन बताता है, मैं आज उनकी इस बात को लेकर उनके लिए बात कर रहा हूं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। जी हां, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो थी विधवा, वो कर्ज में डूबी हुई थी, उसका जो हस्बैंड था वो प्रभु का भक्त था और बहुत एलिशा का भी वो भक्त था और वो कर्ज में डूब गया था और जो कर्जदार थे वो उसके बच्चों को ले जाकर उनसे नौकरी वगैरह करवाकर उनसे अपना कर्ज वसूल करते। वो रोने लगी, वो एलिशा के पास गई। एलिशा ने कहा कि क्या है तेरे पास? उसने कहा बस एक कुप्पी में तेल है और मेरे पास खाने को भी नहीं, उसके पास खाने को भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके बच्चे और उसके विधवा की भूखे मरने की नौबत आ गई। एक बार को मां भूखी रह सकती मगर अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ वो देख नहीं सकती थी, ऐसी भयंकर स्थिति थी। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उस एलिशा ने कहा कि जा अपने अड़ोस पड़ोस के सबके बर्तन इकट्ठा कर ले और अपने द्वार बंद कर और उस तेल को उन बर्तनों में उंडेलना। वो चली गई अपने बच्चों को लेकर, उसने अड़ोसी पड़ोसियों के जो भी उसके आसपास रहते थे सबके ढेरों बर्तन ले लिए और सारे बर्तन ले लिए और वो द्वार बंद करके और उससे थोड़ा सा कुप्पी में तेल था उस तेल को उंडेलने लगी। उस तेल को उंडेलने से क्या हुआ कि सारे बर्तन भर गए, अड़ोसी पड़ोसी के उसके घर के भी जितने बर्तन थे सब भर गए, तेल थमा नहीं तब जब तक सारे बर्तन भर नहीं गए। जब सारे बर्तन भर गए तब उसने एलिशा ने जो कहा था कि इसको बेचकर अपना कर्जा निपटा और अपनी जीविका चला। परमेश्वर ऐसे काम करता, यानी उसके कर्ज के बीच में जब उसने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई समस्या हमारी हल नहीं हो सकती है, तो वो प्रभु के दास के पास गई और वो जानती थी कि प्रभु का दास जो है प्रभु से बातें करता है तो हमारी समस्या हल हो जाती है। प्रभु के दास ने उस स्त्री के जो कर्ज में डूबी थी उसके कर्ज के और उस स्त्री के परिवार के बीच में जो है परमेश्वर को लाके खड़ा कर दिया, परमेश्वर की सामर्थ को लाके खड़ा कर दिया, परमेश्वर की शक्ति को लाके खड़ा कर दिया और परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति ऐसी उतरी कि वो कर्ज से मुक्त हो गए। और ये सिर्फ कर्जे की बात नहीं है, चाहे आपकी बीमारी हो,
चाहे आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी गहरी क्यों ना हो, आपकी बीमारी सही नहीं हो रही है, आपकी समस्याएं, आपकी चिंताएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने परिवार के साथ चाहिए, कमरे में चाहिए, घुटने टेकिए और प्रार्थना कीजिए और अपनी उस समस्या, अपनी उस बीमारी को अपने परिवार की उन समस्याओं के बीच में प्रभु को लाके खड़ा कर दीजिए। फिर देखिए आपकी समस्याएं कैसे दूर होती है। जब हम अपनी चिंताएं, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, अपने कर्ज, अपने बोझ के बीच में, अपने और उनके बीच में अपने परमेश्वर को लाके खड़ा कर देते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाते हैं, तब हम परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की सामर्थ को देखें, हम अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, अपनी चिंताओं के बीच में अपने परमेश्वर को खड़ा करें, फिर देखें परमेश्वर कैसे हमारी इन समस्याओं को दूर करता है। प्रभु आप सबको आशीष दें।